हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में आपका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे खाने पीने से लेकर खेलने तक की चीजों को फैक्ट्री में ही बनाया जाता है, जिनमें से कुछ प्रोसेस सेम व कुछ प्रोसेस अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा घी जो आप अपने रोजाना उपयोग में लेते हैं उसे किस तरह से फैक्ट्री में बनाया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर लेना, जहां मैं आपको हर तरह की अपडेट देता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, घी बनाने के लिए सबसे पहले मक्खन का यूज किया जाता है, जिसके छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। फिर इन मक्खन के टुकड़ों को एक बड़े से बाउल में डालकर इन्हें अच्छी तरह से घुमाकर इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद मक्खन लिक्विड में बदल जाता है। इसके बाद इस लिक्विड को भरकर इसे एक दूसरी मशीन में खाली किया जाता है। जहाँ इस लिक्विड को उस मशीन में गर्म करके इसे घुमाया जाता है। इस लिक्विड को गर्म करने से इसमें उपस्थित पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे हमें शुद्ध घी प्राप्त हो जाता है। फिर इस घी को छानकर इसे डब्बे में भर लिया जाता है।
फिर उसके बाद इस घी को पैकिंग के लिए मशीनों द्वारा छोटे छोटे डब्बों में भरा जाता है। उसके बाद उन डब्बों पर ढक्कन लगाकर उन्हें पैक कर दिया जाता है। इस तरह से फैक्ट्री में घी बनाने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों आपको ये प्रोसेस कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमारे साथ जुड़ जाना। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।